आइलैंड जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे टूर का तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक ले से अप्रॉक्स 160 किलोमीटर है और वहां जाने में अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे हमें लगेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, ये सारे हैंड बैगेज लिया है, आप देख रहे हैं सारे हैंड बैगेज लिया है। जो बड़े बैग हैं यहीं पे छोड़ दिया है क्योंकि हम जाएंगे पैंगोंग से जाएंगे नुब्रा से वापस इसी होटल में आना है, तो बड़े लगेज हमने यहीं छोड़ दिया है, छोटे छोटे लगेज लिया है। हमारी गाड़ियां आ चुकी है, इसके अलावा जो परमिट्स है परमिट्स भी आ चुका है नुब्रा के लिए, पैंगोंग के लिए परमिट्स आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि अपनी दो गाड़ियाँ आ चुकी है, देख रहे हैं आप सारे लोग अपने हैंड बैगेज ले लिए हैं और ये अपना परमिट्स दोनों ड्राइवर के पास मिल चुका है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, हाँ ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम साथ में लेकर के जा रहे हैं क्योंकि किसी को तकलीफ़ हो, क्योंकि जो पैंगोंग लेक है 4000 फीट की ऊंचाई पे है, तो इसमें भी यदि वहाँ पे दिक्कत होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर गाड़ी में हम लोग कंपलसरी रखते हैं किसी को दिक्कत हुई तो, ठीक है। इसके अलावा सारे लोग आना शुरू हो गए हैं, अपने सुमन भाई भी आ गए हैं और यहाँ भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर आ चुका है और ये सारे, ये हमारे एक दूसरे कैमरामैन हैं मिस्टर प्रदीप जी, और ये भी बखूबी पूरे ट्रिप का जो कवरेज कर रहे हैं, एक गाड़ी का जो कवरेज कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, एक गाड़ी में ये हैं एक गाड़ी में मैं हूँ। जैसा कि हम लोग निकल चुके हैं पैंगोंग लेक के लिए, आप लेह से पहले नुब्रा भी जा सकते हैं लेकिन नुब्रा में अवेबिलिटी का प्रॉब्लम के कारण पहले हम लोग पैंगोंग जा रहे हैं, पैंगोंग के बाद हम लोग नुब्रा जाएंगे, देन वापस ले आएंगे, ठीक है। ये ट्रैवल में अराउंड 5 to 6 आवर्स लगेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोमीटर लेह से पैंगोंग लेक है। जैसा कि अभी छांगला पास हम लोग आ चुके हैं, ये पहाड़ों पे जैसा आप देख रहे हैं बर्फ़ पड़ी हुई है और मौसम ठंडा है और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ काम नहीं करेगा और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ भी नेटवर्क नहीं है, वहाँ नेटवर्क काम नहीं करेगा। ये सब हमारे गेस्ट हैं, बढ़िया महसूस हो रहा है, इतना बेहतरीन क्लाइमेट है और अभी मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, इतना अच्छा है, मस्त सब कूल एटमॉस्फेयर है, दोपहर की इतनी धूप है लेकिन ऐसा ठंड कोविड के बाद थोड़ा सब कम है यहाँ, फिर भी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कोविड के बाद तो बहुत ही खुली सांस मिल गई, खुली सांस मिल गई, थोड़ा सा रिलैक्स मिला, दिमाग रिलैक्स मिल गया, नज़ारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मौसम बहुत ठंड है, अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा दिमाग, एक लाइफ टाइम में एक बार तो यहाँ विजिट करनी ही चाहिए, करना ही चाहिए। थैंक यू जी सर, बताइए अपने। हेलो नमस्ते, मैं पुणे से आया हूँ, रविंद्र उघाड़े मेरा नाम है जी। सर ने इंस्पायर लैंड कंपनी द्वारा यहाँ पर हमें लाया है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया टूर अरेंज किया है यहाँ पर हमको, उन्होंने होटल फैसिलिटी ट्रैवलिंग फैसिलिटी इतनी बढ़िया दी है कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते, और यहाँ जो मौसम है वो इतना बेहतरीन है हमारे नसीब से, इतनी खुली हवा, इतना साफ सुंदर वातावरण मैंने मेरे 60 सालों के बाद पहली बार देखा हूँ। 62 रनिंग हूँ मैं, हाँ ऊँचाई पे आया, हाँ मैं की कोई प्रॉब्लम नहीं, आज यहाँ पर मैं 17,688 फुट पर ऊंचाई पर खड़ा हूँ तो भी मुझे यहाँ सांस की कोई दिक्कत नहीं है। फैसिलिटी दी है इंस्पायर लैंड कंपनी ने, जो टूर अरेंज करती है पूरे जगत पर, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका दिया है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमें ऐसे दर्शन मिले, हम हिमालय की गोद में आ गए यहाँ पर। ये थोड़ा रास्ते में प्रॉब्लम हो रही है और बरसात के दिनों में हो जाता है, रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, इसलिए हमारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुक गई, अब गाड़ी हमारी निकल। Thank you.
फाइनली हम लोग पेंगोंग लेक आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने पेंगोंग लेक है और वो जो दूर दिख रहा है वो शूटिंग पॉइंट है। अभी जाएंगे हम वहाँ पे और ये हमारा कैंप है। ये हमारा टोटल 12 कैंप है और ये अपना कैंप का नाम है लद्दाख समर कैंप। ये आपका रिसेप्शन और लंच के लिए, रिसेप्शन और लंच के लिए ये डाइनिंग हॉल है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना डाइनिंग हॉल है। हेलो, अभी ब्लैक टी ले रहे हैं और ब्लैक टी ले रहे हैं। और जैसा कि शाम को डिनर का टाइम 7:30 to 9:30 है और मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैंप ले जाकर है और मैं आपको कैंप दिखाता हूँ अंदर ले जाकर। ये अपना कैंप है, ये कैंप है, ये अपना बेड लगा हुआ है, बैठने के लिए सोफ़ा है, सोफ़ा कम बेड है ये। और इसके अलावा ये आपका बाथरूम, बाथरूम का एरिया हो गया। सारे लोग गेस्ट आ चुके हैं, लगभग सारे लोग आ चुके हैं। ये जो पेंगोंग लेक है इसका आधा भाग चाइना में है और आधा भाग इंडिया में है। इसका कलर चेंज होता है क्योंकि यदि आपको धूप लगती है तो इसका कलर ब्लू होता है, धूप नहीं लगती है तो इसका कलर ब्लैक होता है। जैसा कि 3 इडियट्स में देखे थे, आपका यहीं के शूटिंग पॉइंट था, मैं वहां भी लेकर के चलूँगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ये जो देख रहे हैं ये शूटिंग पॉइंट्स है और यहीं पे 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी और इसीलिए वो इस तरीके से बनाया हुआ भी है। तो आगे दिखाते हैं आपको। बना ऑल विद ऑल इज वेल। अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल पेंगोंग लेक के पास और ये हमारे प्रदीप जी बैठे हुए हैं, उधर अपना जादव सर हैं और तापके सर हैं और ये अपना सुनील सर हैं। तो अपनी लेकिन एक ही चीज़ यहाँ प्रॉब्लम है, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, मोबाइल वगैरह थोड़ा कम काम करता है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी अच्छा है। नेटवर्क नहीं है तो आराम से शांति से यहाँ पे आप ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लीजिए और इन्जॉय कीजिए। बिल्कुल शांत सकून भरा हुआ जगह और जैसा देख रहे हैं दूर पहाड़ों पे बर्फ पड़ा हुआ है, धूप भी निकली हुई है और आपको जैसा कि मैंने बताया ये पेंगोंग लेक का आधा हिस्सा चाइना में है और आधा हिस्सा इंडिया में है। कुछ बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते अच्छा लग रहा है ना, एकदम गुड। इस तरीके से आज का साइट सीइंग ख़त्म हुआ। अब हम लोग डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे पेंगोंग में।